बेमेतरा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बिरला सरदा क्षेत्र के निवासी धान, दलहन, तिलहन, सब्जी व फलों का उत्पादन करते हैं। यह आय का प्रमुख स्रोत खेती से ही होता है। स्टील प्लांट निर्माण से कृषि क्षेत्र के साथ साथ फसल उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। स्टील प्लांट से निकलने वाले धुएं व वेस्ट वाटर भी अपशिष्ट पदार्थों से कृषि के साथ साथ जनजीवन प्रभावित होगा। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरदा में निर्माण हो रहे स्टील प्लांट निर्माण पर रोक लगाने आसपास के दर्जनों ग्राम वासी किसान व महिलाएं हाथों में तख्ती लिए थे और उसकी मांग कर रहे थे और इसी के साथ साथ प्लांट निर्माण पर रोक लगाने की लगातार मांग कर रहे थे। किसानों के अनुसार स्थानीय सर्व व राज्य स्तर तक लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी मांगों को दरकिनार रखते हुए स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्टील प्लांट निर्माण पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को देखकर दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव की पीटीएस बुलाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। देखिए बेमेतरा से अरुण कुमार सोनी की रिपोर्ट। मेरी राय पहले भी थी, आज भी है। बेमेतरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ हर प्रकार की फसल होती है। आज अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बेमेतरा जिला में जो वातावरण है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, मेरे ख्याल से ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। इसको बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। कांग्रेस की राज में जिस तरीके से इसको स्पेशल उद्योग का दर्जा दिया गया, कोई भी अगर प्लांट लगाता है, अगर 100 करोड़ का प्लांट लगाता है तो उसको 80% 60% सब्सिडी दी जा रही है। पहले यह दर्जा बस्तर में था, लेकिन अब सभी उद्योगपति जब यहाँ सब्सिडी दी गई तो सभी उद्योगपति पूरे प्लांट लगाने के लिए यहाँ जमीन खरीद ली। हर जगह, हर गांव के 2-4-5 गांव के पीछे हर फैक्ट्री लगने वाली है। जन सुनवाई हो चुका है। कांग्रेस के राज में सभी को एनओसी दे दिया गया है और लगातार प्लांट में काम चल रहे हैं। यहाँ किसान परेशान है, लगातार विरोध हो रहा है। हम हमेशा विरोध में खड़े हैं। हम आज भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। आज विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री से मैंने भी स्वयं निवेदन किया है कि एक बार पूर्ण विचार किया जाए और ऐसे फैक्ट्रियों पर तत्काल प्रतिबंध किया जाए जो लगातार इस तरह प्रदूषण फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं ऐसे प्लांटों का जो कृषि आधारित हो और जो यहाँ के किसानों की भलाई के लिए ऐसे प्लांट लगाए जाएं ताकि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण खराब ना हो। और हम लोग किसानों की हर लड़ाई में खड़े हैं और मुझे विश्वास है पूर्ण कि फैक्ट्री बंद होगा, लेकिन इसके लिए सभी किसानों को एकजुट होकर संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। योगेश भाई, जब से विधायक नहीं बना था तब से और आज बन गए हूँ तो भी लगातार हम कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हुए थे, हम माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और आज हम सब मिल करके यहाँ पे एक जगह स्थान में एक जगह बैठ कर कहीं पर किसी प्रकार के हम रोड में नहीं बैठे हैं, हम एक जगह एक स्थान में बैठ करके चर्चा किए हैं कि और आने वाले समय में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पे इस तरह का स्टील उद्योग जो है न लगाए। आपके क्षेत्रवासी लोग आपके ही विरोध में आपके खिलाफ खड़े हैं क्या है? नहीं, हमारे किसी प्रकार का विरोध नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं, जिस समय भी यहाँ सरदावासी लोग चाह रहे थे कि हाँ कंपनी नहीं लगे, उस समय भी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस टाइप से हरकतें की जा रही थी और वही असामाजिक तत्व है जो नहीं चाह रहे कि यहाँ पे उद्योग लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई है उनके साथ बिल्कुल नहीं है कि असामाजिक तत्व जो है जो अचानक यहाँ पे आए हुए हैं उन लोग जो है विरोध कर रहे हैं। आपके पार्टी के उद्योग मंत्री हैं, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, आप लोकल विधायक हैं यहाँ से, फिर भी आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, सड़क की बात नहीं है, हम लोग तो केवल यहाँ पे चर्चा करने आए हैं। आप मीटिंग किए हुए थे, मीटिंग में सबने अपनी बात रखे हैं कि आने वाले समय में इनका विरोध करेंगे और ये कंपनी जो बंद हो जाए, इस विषय को लेकर माननीय उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के पास इस विषय को हम लोग रखेंगे। आज जैसे विशाल धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है, पूर्व सरकार बोलूं या वर्तमान सरकार बोलूं, ये दोषी हैं और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो तत्कालिक जो भी अधिकारी हैं उन पे भी जांच होनी चाहिए और आज अगर हम शांतिपूर्ण तरीक़ा से इस कार्यक्रम को निपटाए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक करने के लिए आज हमारे कुछ जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा झूठ बोलकर कर्तव्य निष्ठा से भाग कर जो उनका प्रदर्शन रहा, ये हृदय विदारक रहा। और जैसे कि हमारे बेरला की SDM मैडम थी, उनके बिहाफ में एक तहसीलदार आए थे, तहसीलदार जी ने बोला कि मैडम हाई कोर्ट में है। हमारी सीधी सी वो मांग थी कि हम SDM मैडम को अपना ज्ञापन देंगे और किसी प्रकार का कोई हो हुल्लड़ नहीं होगा और अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। जैसे कि आप सब ने देखा और ग्रामीणों ने और किसानों ने देखा, शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है और हमारे स्थानीय विधायक जी भी पहुँचे थे और प्रयास रहेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है, प्रयास रहेगा कि बेमेतरा में निरंतर खुल रहे इन फैक्ट्रियों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे तो आज के युवाओं के जोश को देखकर मैं बहुत ही कृतज्ञ हो गया हूँ कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में है भावना कि
वो चाहते हैं कि फैक्ट्री ना खुले और हमारे पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है सभी फैक्ट्रियों के माध्यम से तो वह रुक जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि बेमेतरा में अलग अलग जगह नदियों के किनारे 11 फैक्ट्री लग रहा है। मैं एक फ़ौजी होने के नाते, कहते हैं वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज सोल्जर, मैं एक फ़ौजी होने के नाते यह कह सकता हूँ जब भी मुझे किसान पुकारेंगे बुलाएंगे मैं स्वेच्छा से यहाँ आऊँगा। जय हिंद।